एक्शन। आपका घर बड़ा आलीशान है। सच बताएं वरुण बाबू, ये सब कुछ कर्जे की वजह से हो रहा है। चाचा जी हर महीने इतने कम पैसे भेजते हैं कि कर्जा लेना ही पड़ता है। लेकिन आपके साथ ये बहुत गलत हो रहा है। आपकी शादी होने के बाद तो आपके चाचा जी ने आपका हिस्सा आपको दे देना चाहिए। दरअसल बात यह है कि चाचा जी को औरतों से सख्त नफरत है। उन्होंने तो मुझे कसम दी थी कि मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। चाचा जी आ रहे हैं अभी। वरुण तुमने इस लड़की से छुप कर शादी कर ली? ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरे दोस्त की बीवी है। कौन दोस्त? तोताराम। वरुण मैं तुम्हें आज तक सच्चा ईमानदार और इनोसेंट आदमी समझती थी। डार्लिंग वो तो मैं हूँ, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं गलत थी लेकिन तुम सही। क्या बात है, देखा मान गई। मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है ये सब? आप कौन होते हो पूछने वाले? हम पति पत्नी के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा दिमाग खराब हो गया है? सही कहा आपने, हमारी बीवी का दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारी बीवी, तुम जैसे नौकर की औकात क्या है तुम्हारी? ये हमारी औकात निकालती हो? एक मिनट, अपने पति को नौकर कह रही हो? अरे धोती कुर्ता पहनों के तो नौकर ही कहेगी ना। ये हमारा खानदानी ड्रेस है। हाँ हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ एक बार अपनी बीवी को जरूर छोड़ देंगे। ओए भगवान के लिए अभी बीवी को मत छोड़ना। वरुण ये भगवान कौन है? वरुण डैमेट ये क्या चक्कर है? चाचा जी हम आपको बताते हैं, चलिए। और हम आपको, चलिए। बड़ी दर्दनाक कहानी है हमारी। दर्दनाक? जी चाचा जी। कौन है ये चाचा जी? चाचा जी, चाचा जी नहीं, मामा जी। हमने काजोल से शादी की। फिर क्या, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि काजोल को पागलपन के झटके आते हैं। मामा जी को झटके भी आते हैं, अभी आगरा से आए। सुहागरात के दिन ही उसे पहला झटका लगा। 2 साल तक पागलखाने में रखा। वही से छूट के आ रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं है। हमें छोड़ के बाकी सबको अपना पति मानने लगती है। ओह नो, हम बड़े फंस गए शादी करके चाचा जी, और किसी से कह भी नहीं सकते। हमें सब कुछ छुपाना पड़ेगा। झूठ, ये क्या नौटंकी है, मैं अब पागल हो गई। देखा हमने कहा था। You're right. देखो बेटा सच को समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ गई। अरे वेरी गुड, मैं अब यहाँ नहीं रहूँ। वेरी बैड। वरुण कहाँ जा रहे हो तुम? मैं उसको समझाने जा रहा था, मेरी दोस्त की खातिर। बेडरूम तक जाके खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तोता बेटा जाओ अपनी बीवी को समझाओ। जाओ जाओ। देखिए बच्चे। मैम साहब, अरे नहीं नहीं, मैम साहब यहाँ तक आ गए, निकल जाओ यहाँ से। हमारी बात सुन लीजिए। शट अप, तुम्हें शर्म कैसे नहीं आई मुझे बीवी कहते हुए? अरे किसे शर्म नहीं आएगी आपको अपनी बीवी कहते हुए? मतलब भगवान ये वक्त किसी पर ना लाए। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये इंसल्ट आपकी नहीं, हमारी है। खबरदार, नौकर हो नौकर की हैसियत से रहो। अब नौकर की हैसियत से है तभी तो वरुण बाबू की सारी बातें मान रहे हैं, वरना हमारी क्या हिम्मत कि हम आपको अपनी बीवी कहें? आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है। इस वरुण की तो जान ले लूंगी मैं। अच्छा पंडित जी कल्याण। अरे मैं ना, तुम? अरे ओंकार भैया कैसे हो, बाकी सब ठीक? हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो? वो पंडित जी को हाथ दिखा रहा था। तुम भी अपना हाथ दिखाओ, बड़े विद्वान पंडित जी हैं। अरे नहीं नहीं, इनके पास तोता कहाँ है? अरे तोते की क्या जरूरत है, बीवी आपका मुख कमल ही बता रहा है कि आप बहुत सुंदर है। वो बताने की क्या जरूरत है, वो तो हमारा तोता हमसे हमेशा कहता है। आप बहुत ईमानदार है, आपका दिल आईने के जैसे साफ है ना। आप बहुत मेहनती है, लेकिन दुनिया वालों को उसकी कोई कदर नहीं है ना। हाँ आप अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन लेकिन पंचांग और ग्रहों की दशा ये बता रही है का? कि वो आपसे प्यार नहीं करता का? हाँ आप उसको बिल्कुल संभालिए, उसका जरूर कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। खबरदार खबरदार, हमने तोता के बारे में ऐसा कुछ कहा तो? अरे हम थोड़ी कह रहे, ये तो ज्योतिष कह रहा है। अरे बाहर में जाए आपका ज्योतिष, हमारा तोता हमारे साथ ऐसे कभी नहीं कर सकता। दुनिया कहती है कि मर्दों का कोई भरोसा नहीं। तो हमारी माँ जी भी कहती है कि मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। तोता तोता नहीं, नहीं हमारा तोता ऐसा नहीं करेगा। देख रहे हो ना तोता की हालत, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। आप तो मान है चाचा जी। तुम भी मत करना। क्यों क्यों करने वाले हो? क्यों करूंगा मैं शादी,
क्यों करूंगा मैं शादी? ये राणा खानदान की परंपरा है चाचा जी, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाह वाह वाह, अरे भाई तुम राणा खानदान के असली वारिस हो। चाचा जी मेरी रगों में भी राणा खानदान का खून दौड़ रहा है चाचा जी। बस बस बस, दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बताओ कि वो तुम्हारा दोस्त अपनी पागल बीवी के साथ कब तक यहाँ रहने वाला है? आप कब जा रहे हैं? What? मतलब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको परेशानी है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है लेकिन अब याद रखो, आइंदा किसी भी बहाने मुझे इस घर में लड़की नहीं चाहिए। तोता, तोता, तोता को देखा? हाँ वो अंदर है। अंदर है। कौन है ये लड़की? कौन है लड़की? अरे मैं कहता हूँ ये घर है या जनान खाना, कौन है ये लड़की? गुड क्वेश्चन। आपको हमारी सारी बातें समझ में आई ना? क्या बात है तोता, मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम इतने होशियार हो। ये तो हमारा खानदानी गुण है। खैर वो छोड़ो, याद रखिए आज से हम आपके पति और आप हमारी पत्नी। अरे मैना तुम वापस आ गई तुम्हारी इस बाजी देखने के लिए? अरे क्या कर रही हो तुम? सोची ने सच कहा था, सच कहा था सोची ने। अरे अरे नहीं नहीं ये सब गलत 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 सोच रही हो तुम। गलत गलत नहीं सोच रहे आप, हमने सब देखा है सब सुना है। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना हमने, दो हमारा दूध। अरे मैना मैना मैना, कौन है ये मैना? मैना 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 नौकरानी है। तुमने नौकरानी रख ली? तुम्हें पता है ना कि मुझे औरतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे मैं क्या करता चाचा जी, औरतें मुझे भी बर्दाश्त नहीं होती लेकिन रखनी पड़ी। ये मैना है ना, ये बहुत गरीब है, ये बेबस है, ये बेसहारा है, ये बहुत गाय। नॉनसेंस, कोई औरत बेबस लाचार या गरीब नहीं होती समझे, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे तो मैं क्या करता? अरे कोई है? मैं हूं ना। अरे हाँ आप है। क्या करता? एक गरीब बेसहारा औरत को पना नहीं देता तो क्या करता? कभी कभी तो मुझे लगता है चाचा जी कि आप राणा परिवार को बिलोंग ही नहीं करते। What? Absolutely. अरे नहीं तो आप राणा परिवार की परंपरा नहीं तोड़ते। कौन सी परंपरा? कौन सी परंपरा? या tell me, कौन सी परंपरा? कौन सी परंपरा? Yeah. आप पूछ रहे हैं मुझसे कौन सी परंपरा? Yeah. अरे राणा परिवार का एक एक आदमी 100-100 औरतें रखता था। रखता था लेकिन वो नौकरानियां नहीं होती। अरे एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैंने तो सिर्फ नौकरानी रखी है। क्या जानते हैं आप मैना के बारे में? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं ना। हाँ यस यस ऑफ कोर्स। मैना का पति शराबी है। ओह अय्याश है, उसने उसने मैना को घर से निकाल दिया चाचा जी। ची 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 ची, ये उसने मर्दों वाली बात नहीं की। अरे मर्दों वाली बात तो मैंने की है। मैंने दुनिया को लात मार कर मैना को इस घर में पना दे दिया चाचा जी। क्या कहा तुमने? मैंने दुनिया को लात मारकर मैना को इस घर में पना दिया चाचा जी। अब मैं भी देखता हूँ कौन माई का लाल रोकता है मुझे। हाँ। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। I'm with you. I'm proud of you, my boy. हम लोगों ने बीबी भूल गया। माँ जी अब सही कह दी थी, इन बातों का कोई भरोसा नहीं होता। अरे सब कुछ बताने के बाद काहे रो रही हो दहाड़े मार मार कर? शर्म लिया तो मालकिन के चक्कर चलाते हो। अरे बाबा वो सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमने अपनी आंखों से आंखों से देखा था, गुटर 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 चल रहा था। अरे वो तो वरुण बाबू को बचाने के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है तोता। अरे काय होगी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं वो सब नाटक था। माँ जी आपका बेटा नाटकबाज हो गया। अरे मेरी माँ, वो तो चाचा जी को उल्लू बनाने के लिए सब कुछ किया, वरना वरुण बाबू मुसीबत में आ जाते। तो आने देते मुसीबत में, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे कहाँ फर्क पड़ता है, कहाँ फर्क पड़ता है। सुख दुख में मालिक का साथ देना हमारा फर्ज है, हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं। नौकरी इशकबाजी की? अरे नहीं बाबा वो बहाना था। हमें नहीं चलेगा ऐसा बहाना, हम चाचा जी से सब कुछ बता देते हैं। पागल मत बनो मैना। हम पागल हैं, हम बताएंगे बताएंगे बताएंगे। चाचा जी घर में है नहीं तो आएंगे, हम बताएंगे। मैना देखो तोता आगे मत दिखाना, हम अब किसी से डरने वाले नहीं। देखिए मैना ये झूठ कभी नहीं मानेगी, वो
चाचा जी के सामने सारा पिटारा खोल देगी। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैना को समझाओ, मैना को समझाओ। हम उसे नहीं समझा सकते। अरे समझाओ यार, मैं मर जाऊंगा। बस ये चाचा जी की बला टलने की बात है, बस ये आपकी बला है, आप ही से निपटिए। और हम कहते हैं कहीं नौकरी वोकरी कर ली होती तो यूं जायदाद के पीछे भागना नहीं पड़ता। तोता मेरे भाई, तू मेरा भाई है तोता। मैं तुझे जायदाद का 50% हिस्सा दूंगा। बस 50% मतलब आधा। मुझे बचा ले। आपने कहा हमें लालची समझ रखा है, नहीं चाहिए आपकी जायदाद। पर ये तो और भी अच्छा है, जायदाद कैंसिल, सिर्फ बचा ले। है? अरे बचा ले यार, मैं तेरा ऐसा जिंदगी भर नहीं मानूंगा, भूलूंगा। बचा ले, मैं पाव पड़ता। अरे क्या कर रहे हो मालिक? नहीं, एक मिनट देखता हूँ। हाँ एक रास्ता है। क्या? मैं मैना का पति। अरे तोता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैना मेरी भाभी है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप कुछ मत सोचिए, हमने सब सोच लिया है। आपको मैना के शराबी और अय्याश पति का नाटक करना होगा। आपने अगर नहीं किया तो मालिक बर्बाद हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तोता अगर पोल खुल गई तो? कैसे खुलेगी पोल? चाचा जी आपको जानते तक नहीं है और हमने मैना को बताया ही नहीं है। मैना को नहीं बताया? मैं नहीं बनूंगा मैना का पति, मेहरबानी करो मैं नहीं बनूंगा। काहे? मैना से डरते होगा? अरे मैना से कौन नहीं डरता, तुम नहीं जानते क्या? मैना को आज तक जिसने भी छेड़ा, मैना ने उसकी बैंड बजा के रखी। नहीं मैं नहीं बनूंगा। ओमकार भैया आपको ये नाटक करना होगा, आपको हमारी कसम। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं मैना का पति बनाऊ तो तुम क्या बने हो? काजल मैम साहब का पति। क्या? तोता कहाँ थे वरुण बाबू? तोता कहाँ? हमें का पता, आप ही के दोस्त हैं वो, हमारे लगते कौन है। अच्छा ठीक है। चाचा जी कब आने वाले? हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, हमें उनसे कुछ कहना है। अरे मर गए, ये तोता कहाँ चला जाता है? क्या बात है वरुण बाबू? नहीं मुझे जरा बाहर जाना है। तो जाइए। अरे ऐसे कैसे जाइए, मैं बाहर गया और चाचा जी आ गए तो? हम है ना, उसी बात का तो डर है। चाचा जी आ गए। एक मिनट, मैं दरवाजा खोलूंगा, तुम अंदर जाओ। अंदर जाओ। चाचा जी आ गए। चाचा जी आ गए। तोता 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 कहाँ रह गए थे तुम? हम इंतजाम करने गए थे। कैसा इंतजाम? मैना का। अरे क्या बात कर रहे हो, मैना तो अंदर है। आप देखते जाइए वरुण बाबू, अगर टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो उंगली सीधी करनी पड़ती है। क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी आ गए। अरे नहीं, शायद वो साहूकार खतरे भी हो सकता है। क्यों, आने वाला था का? नहीं, उसने मुझे मिलने बुलाया था। ओ, लेकिन कहीं वो आया और उसी वक्त चाचा जी आ गए तो मैं मर जाऊंगा तोता, मैं मर जाऊंगा। आप फिक्र ना करें, आप जाइए, चाचा जी को हम संभालते हैं। पक्का? पक्का, जाइए जाइए जाइए। चाचा जी कहाँ जा रहे हो? ये वो मैं, हाँ मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। अरे क्यों? मेरी मर्जी, मेरा घर है और इस घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। चलो 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 चलो, जो कहना है जल्दी कहो। चाचा जी वरुण बाबू और तोता एक नंबर के झूठे हैं। खामोश, शर्म नहीं आती अपने मालिक पर इल्जाम लगाते हुए? हमें तो बहुत शर्म आती है, लेकिन तोते को बिल्कुल शर्म नहीं है। ये मत भूलो कि तुम एक नौकरानी हो और तोता तुम्हारे मालिक का दोस्त है। लेकिन हमारे पति? अरे तुम्हारे पति को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक नंबर का शराबी और अय्याशी आदमी है। शराबी और अय्याश? तोता? तोता तो बेचारा काशी का पंडित है, पहले से ही परेशान है। काशी का पंडित? हाँ। मैना कहाँ है हमारी मैना? कहाँ है मेरी मैना? कौन हो तुम? भूल गए क्या? हम तुम्हारे पति देव है। पति देव? अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में, तुम हमारे पति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अगर मजा चला से तो समझ जाओ, हो ही नहीं सकते। मैना क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो अपने पति को? पति? अरे तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे तलाक दे दो। अब हम तलाक ही देंगे। अरे अरे मैना, अरे यहाँ से क्या आ रहा चिल्ला लो, ये लेके जाओ, समझाओ से, जाओ जाओ जाओ। तोता हम क्या करें? तुम चले जाओ। अरे ये तोता इसे कैसे समझाएगा? अरे वो काशी का पंडित है ना। तुमने तो मथुरा का कहा था। वो बाजू बाजू में ना। का?
ओंकार भैया हमरे पति, हाय भैया इतना बड़ा झूठ। अरे और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। अगर हम ये नाटक नहीं करते तो साहब और काजोल मेम साहब का रिश्ता टूट जाता। किसी का घर टूटना अच्छी बात है क्या? नहीं। इसीलिए कहते हैं हमारी मदद करो, अगर हम और तुम एक साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह हैं। बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। मैं तोता तू मैना। नहीं तू तोता मैं मैना। थैंक गॉड मैना मान गई, वरना मेरे तो तोते उड़ जाते। गुड इवनिंग बॉयज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे तोता काजोल की तबीयत अब कैसी है? पता नहीं क्या सो रही है, सो रही है, हमेशा सोती रहती है। हमारे लिए वही अच्छा है। अरे मुझे तो लगता है कि ये सब अशुभ ग्रहों का असर है। ओह तुमने उसकी जन्म पत्री किसी ज्योतिष को दिखाई है? जन्म पत्री कुंडली? नहीं नहीं। ठीक है उसकी पूरी डिटेल्स मुझे दे दो, मैं अपने ज्योतिष को दिखाता हूँ। जी। काजोल का पूरा नाम? काजोल राणा। काजोल राणा खुराना खुराना। काजोल तोताराम खुराना। जन्म तिथि? कुछ तो थी। अरे मैना देखो दरवाजे पे कौन है? मिसेस काजोल राणा यही रहती है। मिसेस काजोल राणा? नहीं नहीं नहीं, वो गलती से मिस्टेक हो गया, उसको बोलना था मिसेस काजोल खुराना खुराना। अरे नहीं नहीं सर, हम कस्टमर के नाम में कभी गलती नहीं करते, मिसेस काजोल राणा ही नाम है उनका। नहीं नहीं नहीं, काजोल खुराना नाम है। खुराना ना? खुराना नहीं, राणा राणा। लेकिन यहाँ कोई काजोल राणा रहती नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, क्या इतना बड़ा शहर है ना, एक नाम के कितने लोग हो सकते हैं? जाओ जाओ, हम किसी काजोल राणा नाम की लड़की को नहीं जानते। जाओ जाओ। लेकिन सर हम आपको जानते हैं। देखा देखा, ये मुझे जानता है। अरे सारा शहर मुझे जानता है चाचा जी। आपको पता है शहर के हर टॉयलेट में मेरी फोटो लगी हुई। अच्छा? हाँ, मेरा नाम भी लिखा है ऊपर, जेंट्स। अरे नहीं सर, आप मिसेस काजोल राणा के पति हैं। उनके साथ नेकलेस खरीदने आए थे। क्या मतलब कि मेरा शक सही निकला? तुमने वाकई में धोखे से शादी कर ली? अब देखो इसका अंजाम। चक्कर क्या है? अरे कोई चक्कर नहीं है, ये चक्करा गया। चाचा जी ये डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय ऐसे ही होते हैं, इधर की डिलीवरी इधर, उधर की डिलीवरी इधर। देखिए देखिए, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। तो अभी करो। ज्वेल थीफ। मतलब ये है कि आपका कोई हमशक्ल है जो घूम रहा है। अच्छा? मतलब जुड़वा। चाचा जी आपने मुझे बताया नहीं कि मेरा कोई जुड़वा भाई भी है? अरे चुप करो, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। तो मेरे पापा के गुनाह की सजा मुझे क्यों चाचा जी? लेकिन अब मैं क्या करूं? तू निकल। गेट आउट। ये क्या शोर हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है? चाचा जी। क्या आप ही मिसेस काजोल राणा है ना, जो उस दिन इनके साथ नेकलेस खरीदने आई थी? जी कुछ प्रॉब्लम है, मैंने तो एडवांस दे दिया था। जी नहीं, मैं अपन नेकलेस लेके आया हूँ। ओह गॉड हाउ स्वीट, मैं भी ट्राई करती हूँ। अजी पैसे दे देना। हाँ मुझसे धोखा। चाचा जी मेरी बात तो सुनिए आप। चुप रहो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। देखिए पहले मेरे पैसे लेने दीजिए। ओए निकल जाओ मेरे घर से। अरे बेशरम खानदान पे धब्बे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। तोता। चाचा जी इन्हें छोड़ दीजिए, आप ही का खून है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी बीवी को ये शॉपिंग करवाता है और तुम इसे बचाना चाहते हो? अरे किस खानदान से हो तुम, तुम्हारा खून नहीं खोलता? खोलता है, खोल रहा है, अभी खोल रहा है। कुत्ते कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तो कुत्ता काट दे। बेवफा, बेगैरत, बे धोखेबाज, दोस्ती का फायदा उठाते हो? हाँ मैं तेरे पीठ में छुरा छुरा गाजर काट के छुरा से गाजर। मैं समझ गया। तोता तोता मुझे माफ कर दो, तोता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा कर दिया माफ। अरे तुम भी क्या याद रखोगे हैं कि किससे पाला पड़ा था? मैंने मैंने अपनी काजोल को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं छोड़ना मत, तुम मुझे माफ मत करो, तुम मुझे मार दो, मेरा गला दबाओ। लेकिन काजोल को छोड़ना मत। मार दो? हाँ मार दो। अच्छा खबरदार, अगर मेरे साहब को हाथ लगाया ना तो। तू कौन होता है हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला? देखिए ये हमारे कस्टमर है और कस्टमर की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। और इन्होंने किया ही क्या है, एक नेकलेस ही तो खरीदा है। साहब आप बिंदास बोलिए, मैं हूँ आपके पीछे। अरे क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ चाचा जी, ये सब गलती भाभी जी के झटकों की है।
उस दिन भी उन्हें झटकाया था, वो नेकलेस कर रही थी। और आप सब तो जानते हैं कि भाभी जी को सोने का कितना शौक है। हाँ हाँ, दिन भर सोती रहती है। खैर, तोता भी घर बनी। दोस्ती निभाने के लिए चाचा जी मैं भाभी जी को अपने साथ ले गया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। तो फिर बिल पर मिसिस काजल राणा क्यों लिखवाया? भाभी जी का दिल रखने के लिए, वरना उन्हें फिर से झटका आता। फिर आया झटका? नहीं, मुझे पड़ा फटका 5,000 रुपए का एडवांस। हाँ, और 10,000 बाकी है। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, बचे हुए पैसे नहीं दूंगा मैं। तो कौन देगा? तोता की बीवी है, वो देगा। हलवा बड़ा अच्छा बना। बनेगा ही, काजू जो पीस कर डाला है। ये काजू चीज ही बड़ी अच्छी है। ये बहुत पिटेगा आज। सचमुच? मुझे भूख लगी है। अरे कैसी है तबीयत तुम्हारी? इन्हें क्या होना है, सोना ही सोना है। अरे असली सोना तो हमारे आगरे में मिलता है। आप आगरा में थे? हाँ, वहीं से तो आ रहा हूँ। अब समझी। क्या खूब शौक देते होंगे ना आपको वहाँ पर? शौक 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 मतलब शौक, शौकीन वाला शौक। ए, नहीं नहीं, मैं हमें तो एक ही शौक है। ओके, हमें नींद आ रही है। इंसानों को रात को आई जाती है। आपको कुछ चाहिए? बस हमें शांति चाहिए। शांतिलाल खत्री। शांतिलाल खत्री, वो कौन है? बहुत ही खतरनाक आदमी है, आता रहता है यहाँ पे इनसे मिलने। एक दिन आपसे मिलाएंगे। अच्छा अच्छा, आप समझ गए भाई, तुम दोस्तों की कोई कोड लैंग्वेज चल रही है ना। हमारी तो कोई कोड लैंग्वेज थी ही नहीं। इनके कोई दोस्त भी थे नहीं। क्या? नहीं कुछ नहीं, कोड लैंग्वेज। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट तोता, तुम यहाँ सो जाओ, मैं उस बेडरूम में सोता हूँ। एक मिनट, तोता क्यों यहाँ सोएगा? तोता जाके बेडरूम में सोएगा ना? नहीं, 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 हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। अरे उनको झटके आते, झटके अगर रात में झटका आ गया तो हमें बहुत डर लग रहा है। हमें डर नहीं लग रहा है, हम जाते। चुप करो। अरे इतने डरते हो तो शादी क्यों की? ये मत भूलो कि काजल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाओ। एक मिनट चाचा जी, अगर बेचारा कह रहा है कि डरता है तो डरता है, यहाँ सोने दीजिए। तोता यहाँ सो। चुप करो तोता, जाओ तुम जाओ। चला जल्दू जलाल तू आई बला को डाल दू, जल्दू जलाल तू आई बला को डाल दू। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की डली। जय बजरंग बली। मेम साहब माफ कीजिए, हमें जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। जबरदस्ती? क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, दुनिया में सबसे सुंदर आप ही हैं। ए, आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझाओ ना, हो जाने जा। मेम साहब का क्या कहा, क्या कर रही है आप? काजल मेम साहब का काजू कहो ना। हा? तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता। बत्ती मारी गई थी हमारी बत्ती। ऐसा जुल्म ना करो तोता, आओ हमें बख्श दीजिए, बख्श दीजिए हमें। बत्तियां जला दो, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तोता। लेकिन हम तो मैना से प्यार करते हैं। मैना? कौन मैना? वो गांव की गवार छोरी। वो कुछ भी हो, हमने उससे ब्याह किया है और ब्याह का बंधन बहुत पवित्र होता है। तोड़ दो सारे बंधन, चलो भाग चलते हैं। देखिए आप हमारा शील भ्रष्ट कर रही हैं। शील क्या होता है? वो आप जैसे शहर वालों को क्या मालूम, हम गांव वालों के लिए बहुत बड़ी दौलत होती है। हाथ मत लगाइए, हम चिल्लाएंगे। अच्छा, लेकिन तुम चिल्लाओगे तो लोग जाग जाएंगे। जागने दो, आप दूर रहिए, बात नहीं चिट्ठी जाएगी। बचाओ। मैना, तुम्हें क्या लगा हम नाटक नहीं कर सकते? दरअसल मैना, हम भी नाटक ही कर रहे थे। क्या? रुकिए ना चाचा जी, ऐसी भी का जल्दी है। अरे भाई जाना तो पड़ेगा ना। आगरा जा रहे ना? नहीं, पहले दिल्ली जाऊंगा, उसके बाद आगरा जाऊंगा। सच जी,
मुझे आपकी बहुत याद आएगी चाचा जी। रहने दो मेरी एब्सेंस में अच्छी तरह से रहना और कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, समझे? चलो आपके फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ चल रहे हैं। अरे भाई तोता, काजोल का ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम उनका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। हाँ चाचा जी, चलिए चलिए फ्लाइट का टाइम। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट, क्या हुआ? कौन है बे? नहीं नहीं चाचा जी चले गए। मैं हूँ नहीं। ला 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 ला। हेलो, हाँ क्या? अच्छा अच्छा ओके, फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दो, अब मैं 2 महीने तक यही रहूंगा। 2 महीना? हम तो रिवॉल्वर लेने जा रहे हैं। हम लेकर आते हैं रिवॉल्वर। अरे रिवॉल्वर की? इधर आओ तोता, जाके रस्सी लेकर आओ और इसे बांध दो ताकि ये भागने न पाए। हम तो चाहते हैं कि ये भाग जाए। क्या? ए चोर, दफा हो जाओ यहाँ से वरना गोली खानी पड़ेगी। अरे कौन चोर? अरे यार मैं तो दोस्त हूँ वरुण का, सूरज। वरुण का दोस्त यानी वरुण भी चोर है? और वो तो एक नंबर का चोर है। हे वरुण बाबू पे शक करना मतलब पूरे राणा खानदान पे शक करना है। चाचा जी मैं एक नेक और ईमानदार इंसान हूँ। नेक ईमानदार लोग इस तरह खिड़की से अंदर घुसते हैं, दरवाजे से बाहर निकल जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, वो साहूकार मेरे पीछे पड़ा है, उसके पैसे जो देने हैं। वरुण कहाँ है? अच्छा 420, मतलब कि तुम लोगों से पैसे उधार भी लेते हो? मैंने नहीं, वरुण ने लिए थे, मैं तो सिर्फ गारंटर था, अब वो साहूकार मेरे पीछे पड़ा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक पैसे वरुण ने लिए थे और तुम उसके गारंटर हो? देख लीजिए इनकी शक्ल देख के आपको ऐसा लगता है कि कोई इन्हें गारंटर रख सकता है? अरे काहे झूठ बोल रहे हो? वरुण बाबू काहे लेंगे पैसे, क्या जरूरत है उन्हें? देखो उन पे इल्जाम मत लगाओ, अगर चाचा जी का खून खोलेगा ना तो वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। देखो हमारा खून खोल रहा है, जब तक रिवॉल्वर नहीं आ जाता तुम यही रहोगे। चाचा जी आपका रिवॉल्वर नहीं मिल रहा है। ओ, हर जंग में हमारे साथ यही हुआ है, लेकिन आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जो मिले वो ले आओ। टोस्टर ले आओ, टोस्टर। इसको भून डालो। जो आदमी खिड़की से अंदर आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे चुप कर जाओ, कब से बोले जा रहे हो खिड़की से क्यों आया अंदर, खिड़की से क्यों आया अंदर? दरवाजा क्यों नहीं खुला रखा फिर? तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? नहीं वैसा नहीं, आपको नहीं चाचा जी, लेकिन ये तो है ना नौकर इस घर का। नौकर? कौन नौकर? कौन नौकर? कौन नौकर? ये तोता राम, पूछिए काजल भाभी से पूछिए। क्या? अरे तोता वरुण का दोस्त है और ये तोता की बीवी है। क्या काजल भाभी, आपने वरुण को डिवोर्स दे दिया? शट अप। काजल मेरी बीवी? नहीं नहीं, काजल वरुण की बीवी है। मैं तोता की बीवी हूँ, ये सर फिर है। ओफो, ये क्या माजरा है? आखिर कौन हो तुम भाई? भाई ये काजू का भाई है। भैया मेरी गृहस्थी में जहर ना घोलो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे मैं भाई कब बना? पैदा होते ही? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। एक मिनट, मेरा दिमाग खराब है या मेरी याददाश्त चली गई है? 2 in 1। बिल्कुल, वरना तुम खिड़की से अंदर नहीं आते। क्या यार मैं अंधा भी हूँ? यानी मैं दरवाजे को खिड़की समझ के अंदर आ गया? हे भगवान, दोनों भाई बहन पागल हैं। बेहतरी इसी में है चाचा जी कि हम इन दो भाई बहनों के बीच में ना पड़े, वरना हम भी पागल हो जाएंगे। हाँ लेकिन तोता, तुमने तो कहा था कि काजोल अकेली है। अरे का कहते कहते हुए शर्म आती है, सारा खानदान पागल है। चाचा जी, टोस्टर। ये टोस्टर है? हाँ हम इसी पर टोस्ट बनाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं साहूकार हूँ या मैं ये टोस्टर हूँ? मेरी प्यारी बहना खुश रहना, जीजा जी मेरे बहना को संभालना, मुझ पर कोई कर्ज नहीं, मैं जा रहा हूँ। खिड़की किधर है? देखा, एक टोस्टर ने काम कर दिया। तू तोता, मैं मैना। मैं तोता, तू मैना। मैं मैना। मैं तोता, तू मैना। अरे मेरे भाई, मैं आज तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ तारीख आज की दी थी, लेकिन अब आप 8 दिन के बाद आइए, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ।
अरे वरुण दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? हम देखते हैं। छोड़ना मत उसको, उसको छोड़ना मत, एक नंबर का नमक हराम आदमी है वो, छोड़ना मत उसको। अरे छोड़ूंगा तो तुमको भी नहीं, आज ही चाचा जी से मिलकर रहूंगा। ओ, ओ, पता नहीं ये तोता और वरुण वहाँ क्या कर रहे हैं। मैना जाके देखो दरवाजे पे कौन है। सारे काम हमें ही करने पड़ते, खाना बनाओ फिर खाना खाओ फिर जाकर दरवाजा भी खोलो। आओ क्या बताऊं खेतरी साहब, चाचा जी गुजर गए। मैं बहुत परेशान हूँ, आप नहीं जानते खेतरी साहब कि मेरे चाचा जी मेरे लिए क्या थे। ये यहाँ क्यों आया? आपने आने में बहुत देर कर दी खेतरी साहब। काश आप थोड़ा पहले आ जाते। चाचा जी तो है, लाश के दर्शन कर लेते हैं। लाश दर्शन, चलो आइए आइए, चाचा जी खाना खा रहे हैं, आइए। क्या मुर्दा खाना खा रहे हैं? हाँ, ये राणा खानदान की रीत है, मरने के बाद मुर्दे को खाना ठूसते हैं वरना वो भूत बन जाता है। अरे अब आ भी जाओ खाना खाने। वो भूत मुझे नहीं खाने। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अरे आपके पैसे खत्री साहब, वो तेरे भी के बाद लूंगा। अरे आइए खत्री साहब। अरे सुनिए, चाचा जी का भूत बुला रहा है। अरे बात तो सुनो। हमें नहीं सुननी तुम्हारी मीठी मीठी बातें, जाओ जाओ उस चुड़ैल के पास। हमारी चुड़ैल तुम ही तो हो। हम चुड़ैल हैं। सारी दुनिया तुमसे डरती है। हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें तो सिर्फ तुमसे मतलब है। हम भी तो डरते हैं और तुम ही दुनिया, हम ही तो हैं। मतलब मतलब बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चिल्लाओ मत यार, डर लगता है मुझे, चाचा जी जाग जाएंगे। चाचा जी, मामा जी। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ कैसे? दरवाजे से। अरे मतलब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? इस घर की हर चीज पे मेरा ही तो हक है। लेकिन मामा जी जाग जाएंगे तो? कौन मामा जी? तुम्हारे मामा जी नहीं है। अरे वो चाचा हो या मामा क्या फर्क पड़ता। चिल्लाओ मत। अरे कितनी बार मैना से कहा कि पानी का ग्लास भर के रखा करे, सुनता ही नहीं है। सब सब नालायक है। वरुण, अरे वरुण कहाँ गया? क्या चल रहा है ये? शादीशुदा होते हुए भी नौकरानी के साथ इश्क लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? I love you four. I love you five. I love you six. ये कहाँ जा रहा है? चाचा जी, इन्हें ना नींद में चलने की बीमारी है। क्या? हाँ, बहुत पुरानी बीमारी है, रात भर चलते रहते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के क्या कर रही? हम देख रहे थे कि वो जाग रही है, सो रहे हैं। तो वो रोज आता है यहाँ पर किचन में? नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, आस पड़ोस में भी चले जाते हैं। मतलब मोहल्ले में? मोहल्ले के बाहर भी, कोसों दूर। लेकिन अभी तो वहाँ खड़ा हुआ है। खड़े खड़े सोने की भी आदत है। हाँ? आदमी के घोड़ा है। I love you 100. वरुण, नहीं, I love you 101, फिर 102. वरुण, वरुण कहाँ हो तुम, जल्दी आओ इधर। चाचा जी क्या कर रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको बेडरूम में ढूंढ रहा हूँ। अरे मैं यहाँ पानी पीने आया था। एक ग्लास पानी के लिए इतना शोर मचाते हैं आप? शू, मेरी शू। अरे मेरी क्या? मैंने चाचा जी के लिए एक ग्लास पानी। अरे मेरी बात तो सुनो तोता, और मैंने यहाँ पे चाचा जी पानी पी लीजिए, सर ठंडा हो जाएगा हमारा। असल बात तो ये है कि मैं, हम पूछते हैं आखिर ये कब तक चलेगा? हम भी यही पूछते हैं, कब तक चलेगा ये? आखिर घर का काम भी करो, बाजार भी जाओ। हम पूछते हैं चाचा जी का क्या करें? हम पूछते हैं एक बार हमें कंफर्म बता दो, वो तुम्हारे चाचा जी हैं या मामा जी? हम पूछते हैं इसका क्या करें? बता दीजिए चाचा जी।
चाचा जी की लड़की के साथ शादी? अरे चाचा जी की तो शादी नहीं हुई, ये तो आपने पूछा ही नहीं। मुझे झूठ क्यों बोला, इतना सारा नाटक करना पड़ा? क्योंकि चाचा जी औरतों से सख्त नफरत करते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। और वो यही चाहते हैं कि मैं भी जिंदगी भर कुंवारा रहूं। लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। अरे इसीलिए तो उनसे झूठ कहना पड़ा, तुम्हें तोता की बीवी बताना पड़ा। लेकिन अब हमें ये मंजूर नहीं है। क्या कर लेंगे चाचा जी, क्या कर लेंगे? अरे जायदाद से बेदखल कर देंगे, इस घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी की अभी चाचा जी को जाकर बता रही हूँ कि हम शादी कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, देखा देखा, इसीलिए मैं इसे बताने से डर रहा था। तुम तो सबसे डरते हो, एक नंबर के डरपोक हो, बेईमान हो, बेवफा हो। अगर मैं बेईमान होता ना तो चाचा जी के डर से तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। शट अप। एक 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 मिनट, देखिए ये झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, सारे किया कराए पे पानी फिर जाएगा। तो कब तक चलेगा ये सब? चाचा जी के जाने तक। तो क्या जिंदगी भर हमें ये तकलीफ उठानी पड़ेगी? कोई जालिम उपाय सोचना होगा। हम पूछते हैं चाचा जी औरतों से नफरत क्यों करते हैं? वो एक लंबी कहानी है। क्या हुआ, एक लड़की ने चाचा जी को प्यार में धोखा दे दिया, बस। और क्या, बस कहानी खत्म, शॉर्ट स्टोरी। और ये कहानी तब खत्म होगी जब चाचा जी के दिल से औरतों के लिए नफरत मिट जाएगी। अरे लेकिन कैसे मिटेगी? हाय, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुकी। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा देखा ही नहीं। वो रहा, कोई बात नहीं, मुझे अंदर ही काम है। आप सेल्स गर्ल हैं? सो स्वीट। गर्ल कहा इसलिए थैंक यू। आप तोताराम है ना, काजल के पति? कौन है आप? मैं मीनाक्षी हूँ, काजल की आंटी। का? अरे तुम तो कहते थे कि काजल अकेली है, तो फिर ये रोज रोज नए रिश्तेदार घर में कहाँ से आ रहे? अरे हमें क्या मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम है। चाचा जी वो मैं। काजू, काजू, ये तुम्हारी आंटी है? आंटी, मैं तो इन्हें पहचानती भी नहीं। सच बताइए आप कौन है? कैसे पहचानेगी, जब मैं इसे पिछली बार मिली थी तब ये सिर्फ 2 साल की थी, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका चली गई, पूरे 20 साल बाद इंडिया आई हूँ। तो क्यों आई हैं आप, वापस चली जाइए ना, यहाँ एज इट इज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो तो होंगे ही, आप जो यहाँ है। प्लीज शट अप। थैंक यू सो मच, मुझ पे कोई गुस्सा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काजल बेटी, मीनाक्षी आंटी के गले नहीं लगोगी? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं काशी गई थी, वहाँ पता चला कि तुमने किसी तोताराम नाम के पंडित के साथ शादी कर ली है? लेकिन वहाँ किसी को ये पता ही नहीं है कि हम यहाँ हैं। पता है कि उन्हें पता नहीं, खूब ढूंढा मैंने, काशी से झांसी गई, झांसी से वाशी गई, और वाशी से सीधे यहाँ चली आई। तो फिर वापसी कब है? अब तो मैं यही रहूंगी, अपनी भांजी के पास, अकेली जो हूँ। का मौसी, ये मौसी मत कहो, आंटी कहो। ये हमारा घर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। वरुण, वरुण, सुनो भाई। अरे मैं हूँ, क्या चल रहा है ये सब घर के अंदर? हाँ, और पहले काजल, फिर मैं ना, और फिर ये मीनाक्षी। अरे जो भी है, अरे ये घर है कि जनान खाना? मैं कह देता हूँ ये औरत इस घर में नहीं रहेगी, बस। वेरी क्यूट, औरतों पर रोब जमाने वाले मर्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रानू, सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा, तू तो